अल्लाह ने ऐसा किया कि उसने इस्लाम का रिसर्च शुरू किया, इस्लाम के खिलाफ लिखने के लिए इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, लेकिन अल्लाह ने उसके सीने में जो है इस्लाम का नूर पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह। और वही शख्स जो कल तक ये बात कह रहा था कि इस्लाम को जो है स्कॉटलैंड में बैन कर देना चाहिए, पाबंदी लगा देनी चाहिए, वही इस्लाम को कबूल कर लिया और फिर वो पूरी दुनिया में आज इस्लाम का प्रचार कर रहा है। सुभान अल्लाह। और आज यूरोपियन कंट्री में भी, मतलब एशियन और अमेरिकन कंट्री से भी ज्यादा तेजी से मैं इस्लाम फैल रहा है, तो यूरोपियन कंट्री है जहाँ इंग्लिश ज्यादा बोला जाता है, जहाँ जिस देश में ठंडी ज्यादा पड़ती है, सर्दी ज्यादा पड़ती है। आप एक चीज जानते होंगे, आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ये बात को जानकर आप पढ़े होंगे इस बात को कि जो ठंडा इलाका होता है ना, वहाँ के रहने वाले लोग का जहन होता है काफी तेज होता है, बनिस्बत इंडियन और जो गर्म देश ज्यादा होता है अफ्रीकन, इन लोगों के बनिस्बत उनका दिमाग गलत है क्योंकि उनके दिमाग ठंडे जाते हैं क्योंकि मौसम ठंडा होता है, ठीक है, उस वजह से उनके दिमाग में जो है उनसे ज्यादा जो है शार्प माइंड होता है, तो वो जो है हर चीज पे रिसर्च करना शुरू करते हैं क्योंकि वो शार्प माइंड होते हैं। आज आप देख लें पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा साइंटिस्ट कहीं के मिले तो यूरोपियन कंट्री के होंगे, क्यों मिले, क्यों इंडिया के क्यों नहीं, पाकिस्तान के क्यों नहीं और बाकी एशियन कंट्री अफ्रीकन कंट्री के क्यों नहीं, क्योंकि इन जगहों में ठंडी कम पड़ती है गर्मी ज्यादा। आज देखिए कितनी शिद्दत की गर्मी है ना, पूरे इंडिया में गर्मी का ये हाल है चंद शहरों को छोड़कर, तो जो ठंडे इलाकों में ठंडे देशों में रहते हैं उनका दिमाग बहुत ज्यादा शार्प होता है और वो हर चीज पे रिसर्च करना शुरू करते हैं, तो जब वो इस्लाम के बारे में प्रोपेगेंडा सुनते हैं ना, अगर कोई हमारे इस्लाम के खिलाफ कोई बात बोलता है तो हमें घबराने की जरूरत है, खुश होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि जाहिर सी बात है आप किसी के खिलाफ कोई बात बोलेंगे, आज वायरल होने के लिए सबसे अच्छा आइडिया लोगों ने क्या लगाया, इस्लाम के खिलाफ, तो वो तुरंत वायरल होता है, वो तुरंत फेमस हो जाता है, ठीक है, वो तुरंत इस्लाम के खिलाफ बोलो, मुसलमान के खिलाफ बोलो, तुरंत फेमस हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि इसका फायदा हो रहा है, लेकिन इसका फायदा नहीं, इसका मुंह नुकसान होगा, फायदा इस्लाम को होगा, फायदा ऐसे ऐसे होगा कि जो लोग इस्लाम को नहीं जानते जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते थे, तो जब किसी अपने ही मजहब वाले की बात सुनते हैं कि अरे इसने ऐसा अपना इस्लाम बोला है, वाकई में क्या इस्लाम ऐसा है, फिर वो इस्लाम को पढ़ना शुरू करते हैं, और जब इस्लाम को पढ़ना शुरू करते हैं तो इस्लाम की हकीकत जब सामने आती है तो वे मानने और कबूल करने पर मजबूर हो जाते हैं कि इससे अच्छा मजहब पूरी दुनिया में कोई नहीं, इस्लाम ही है जो हक है, इस्लाम ही है जो वाहिद मजहब है जो हमें सीधी राह दिखाता है, अल्लाह और रसूल की राह दिखाता है, पूरी दुनिया सुकून की मुतलाशी है और सुकून कहीं नहीं मिल रहा है, लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, कुरान मुकद्दस पढ़ रहे हैं, नमाज की पाबंदी कर रहे हैं और उन्हें सुकून हासिल हो गया। लेकिन ये तो हो गई उन लोगों की बात जो इस्लाम में नहीं थे और आ गए, और मैंने ऐसे ऐसे को देखा है जो इस्लाम कबूल के 2 महीने हुए 3 महीने हुए लेकिन वो इतनी पाबंदी से इस्लाम में अमल करते हैं जितनी पाबंदी से हम भी नहीं। यहाँ पे अफसोस का मौका, ये अफसोस का मौका है कि हम इस्लाम में पैदा हुए, मुसलमान के घर में पैदा हुए, लेकिन हम को जितना इस्लाम पे अमल करना चाहिए हम नहीं करते, लेकिन एक न्यू मुस्लिम जो कन्वर्ट होकर इस्लाम में आया मुसलमान हुआ वो ऐसा अमल कर रहा है। मैंने न्यू मुस्लिम की बात सुनी, उसने कहा कि मुझे मुसलमानों को देखकर अफसोस होता है, उसे इस्लाम कबूल की वो 2-3 महीने हुए लेकिन वो न्यू मुस्लिम क्या बात कह रहा है कि मुझे मुसलमानों को देखकर अफसोस होता है कि मुसलमान के पास इतना अच्छा मजहब है, इतना सच्चा खुदा है, इतने सच्चे रसूल है, इतनी सच्ची किताब है, इसके बावजूद भी मुसलमान अपने मजहब पे अमल नहीं करता, जो दुआ कर रहा है अल्लाह इन्हें भी हिदायत दे जिस तरह तुमने मुझे हिदायत दी है तो मुसलमानों को भी हिदायत, एक न्यू मुस्लिम हमारे लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह ये हिदायत दे, ये अफसोस कि हमें कैसा होना चाहिए, हमें इस्लाम पे कैसे अमल करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे, हमें पर वक्त नमाज के लिए वक्त नहीं, हमें उधर रसूल के लिए वक्त नहीं, हमें तिलावत के लिए वक्त नहीं, हमें मजलिस दीन के लिए वक्त नहीं, दीन सीखने के लिए वक्त नहीं, इन्हें दीन का सीखना क्या है आपको बाबा इनकी फजीलत में सवाल किया और अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्मे दीन हासिल करो मां की गोद से लेकर गर्भ की गोद तक, इससे इल्म की फजीलत मालूम होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मां की गोद से लेकर गर्भ की गोद तक इल्म हासिल करो, इसका मतलब इल्म की फजीलत बताना है कि तुम जब से पैदा हुए और जब तक मर नहीं जाते तब तक भी तुम इल्म सीखते रहोगे, फिर भी तुम इल्म मुकम्मल सीख नहीं पाओगे। इल्म वो दरिया है, इल्म वो समंदर है, लेकिन जब तुम इल्म सीखोगे तो तुम सही रास्ते का जो है समझ इख्तियार कर पाओगे, लोगों को समझा पाओगे कि वाकई में अल्लाह तक पहुंचने की का रास्ता जो है वो इल्म के जरिए ही आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि आज इल्म नूर, इल्म नूर है, बाहर अंधेरा है, यहाँ रोशनी है, ये सब दिख रहा है। अगर हम बाहर जाए और अंदर ये जो लाइट है इसको भी बंद कर दिया जाए तो आप बगैर मोबाइल के टॉर्च का इस्तेमाल किए या किसी लाइट का इस्तेमाल किए जा नहीं पाए, इतनी अंधेरी है। तो क्या समझ में आया कि रोशनी जो है हमें सीधी राह दिखाता है और हमें ठोकर लगने से भी बचाता है। तो इनमें दीन का नूर अगर हमारे पास होगा तो हम ये समझ सकेंगे कि जन्नत का रास्ता क्या, अल्लाह का रास्ता क्या, रसूल का रास्ता क्या, रसूल का मिशन क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों आए थे, इस्लाम को फैला के आए, लोगों को जन्नत की बशारत सुनाने आए थे, लेकिन हमने सिर्फ ये समझ लिया कि हम कलमा पढ़ लिए हम जन्नत हो गए, हम अगर अमल नहीं करेंगे तो हम जन्नत हो जाएंगे। याद रखें ईमान जो है ईमान बहुत डीप बात हो थोड़ा गौर कीजिए, ईमान जो है जन्नत के लिए जाने के काम में, ये हदीस भी कि जिसके पास ईमान होगा वो जन्नत के जन्नत की ईमान मीन्स जो अहले सुन्नत के अकायद, इसलिए अहले सुन्नत के ही अकायद वो अकायद है जो कुरान और हदीस से मिलते हैं और बाकी लोगों के अकायद जो है वो कुरान और हदीस से मैच नहीं करते, वो उनके खिलाफ जाते हैं। एक अहले सुन्नत की बात बड़ी मतलब है जो कुरान और हदीस के मुताबिक अपने अकीदे को, तो हमारे पास सिर्फ ईमान होगा तो हम जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन ईमान के साथ हम मरेंगे इसकी क्या गारंटी है। तो ईमान के साथ मरने के लिए हमें अमल करना है, हम ईमान वाले हैं तो हम अल्लाह मुबारक दुआ करते रहते हैं अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर अता फरमा, तो हमारा खात्मा बिल खैर कैसे होगा, हम वैसे अमल करेंगे कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान कर देंगे। फरमाया गया कि जो अजान की आवाज सुने और खामोश ना रहे उसका जवाब ना दे तो डर है कि वो जब मरेगा तो उसका ईमान छीन लिया। आला हजरत अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग रुकू नमाज में रुकू सही तौर पे सीधी नहीं करते, यानी कमर को बिल्कुल सीधी नहीं करते रुकू की हालत में, जो मजबूर नहीं उनके लिए, जिनको अगर कोई तकलीफ है उनके लिए मसला नहीं, ये मसला नौजवानों के लिए जिन्हें कोई तकलीफ नहीं वो आराम से बिल्कुल कमर सीधी करके पीठ सीधी करके रुकू कर सकते हैं, उनके लिए मसला बयान आला हजरत ने किया कि अगर कोई नमाज में सही तौर पे सीधी पीठ को सीधी रुकू में नहीं करता तो डर है कि वो मरेगा तो उसका खाना ईमान पर नहीं। सोचे और कितनी बड़ी बात है, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और सिर्फ रुकू सीधी नहीं कर रहा है तो उसका ईमान का खात्मा नहीं हो सकता है, तो सोचे जो नमाज ही नहीं पढ़ते उनका क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दे, एक हदीस में आया कि वो काफिर हो गए, लेकिन चूंकि हम इमाम आजम और खलीफा के मानने वाले हैं, इमाम आजम अबू हनीफा ने इस हदीस की मतलब इस हदीस के माने को इस तरह बयान किया कि हम उसे काफिर तो नहीं कहते लेकिन हदीस के मुताबिक हम ये जरूर कहते हैं कि जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज को छोड़ दिया वो हद्दे कुफ्र तक पहुंच गया। अल्लाह सोचे कितनी बड़ी बात है। फिर एक और हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज कजा कर दिया छोड़ दिया वो मेरे जिम्मे कलम से निकल गया। अल्लाह हमने क्या सुना है कि हम मैदान मशर में जब जाएंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करें, तभी तो हम जन्नत में जाएंगे, वरना हमारे अमल ऐसे हैं कि अल्लाह में पक्ष ले नहीं ना, हम हुजूर के शफाअत के बदौलत भी जन्नत में जा सकते हैं। तो
अल्लाह के रसूल ही ने कह दिया कि जिसने जान बूझ कर एक बार की नमाज पढ़ा थी वो मेरे जिम्मेदार से निकल गया। फिर हम किसके पास जाए, किसके पास अपनी जो है इंतजार को लेकर जाएंगे। सारे नबी हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए होंगे और हम किसके पास जाए, जब हुजूर ही मना कर रहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हारा जिम्मेदार हूँ। गौर करके अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो इतना काफी नहीं है, आपको नमाज की दावत भी देनी है। शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें बिन मांगे बिन दुआ किए
कितनों ने दुआ किया था कि कारण है अल्लाह हमें उम्मते मुहम्मदिया में पैदा कर दे, मुहम्मदिया में शामिल कर दे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने बगैर मांगे हमें इस उम्मत में दाखिल कर दिया। ये हमारी जिंदगी, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र इस तरीके से अदा करना चाहिए, ऊपर वक्त नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, उसके कलाम को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, हमारे उलमा से नजदीक होना चाहिए, दीन सीखने की कोशिश करना चाहिए। आखिरी बात मैं देखता हूँ कि नौजवान निकाह करने जा रहे, निकाह भी उम्र हो गई होगी, अच्छी बात है, निकाह करना सुन्नत है, निकाह करने जा रहे हैं और निकाह करने जा रहे हैं तो दोहरे कर शुक्राने की नमाज पढ़ते हैं। तो मैंने अपनी आंखों से देखा, एक नहीं कईयों को देखा कि वो नमाज पढ़ने आ रहे हैं लेकिन उन्हें दोहरे कर नमाज पढ़ना भी नहीं आता। तो निकाह करने जा रहे, इतनी बड़ी सुन्नत पे अमल करने जा रहे हैं और उन्हें दोहरे कर नमाज भी नहीं पढ़ना आता, सोचे वो जुमा कैसे पढ़ते होंगे और अगर पंचवक्ता नमाज कैसे पढ़ते होंगे। और फिर जिसे दोहरे का नमाज पढ़ना नहीं आता, जिसे जिसके फराइज सुन्नत वाजिबात के कुछ आता पता है ही नहीं, वो सोचे वो निकाह के बाद क्या करेगा, उसे निकाह के बाद के अहकाम पता होंगे, वो बीवी का हक अदा करवाएगा, उसे पता होगा। ऐसे ही लोग फिर इस्लाम को बदनाम करते हैं कि सब्जी में जो है नमक ज्यादा हो गया तो बीवी को तलाक दे देते हैं, यही लोग इस्लाम को बदनाम जो इल्म नहीं रखते। इसीलिए हमें चाहिए और हमें ही नहीं, हमारे खासकर हमारे गार्जियन को, पेरेंट्स को चाहिए कि हम ये फिक्र करें कि हमारे बेटे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और सब कुछ बने, लेकिन सबसे पहले एक इल्म दीन जो उनके लिए जरूरी है, जो फर्ज आयन है एक मुसलमान का, अगर वो वाजिब हो गया तो नमाज के सारे मसाइल सीखना उस पर फर्ज है, रमजान आ गया तो रोजे के मसाइल सीखना उस पर फर्ज है, निकाह का वक्त आ गया तो निकाह के पहले और बाद के मसाइल सीखना उस पर फर्ज है। ये गार्जियन की जिम्मेदारी है कि अपने औलाद की इन सारी चीज़ों से दूर रखें, अपने अपने बच्चों के साथ ये जो है इल्म दीन की बातें करें, उन्हें इल्म दीन सिखाएं, और अगर हम नहीं सिखाएंगे तो मैदान मशर में वही बच्चे आज जिस जो बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बन जाता है तो फिर आप फख्र करते हैं, करना भी चाहिए। तो जब आप इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद उसके आप फख्र करते हैं कि मेरा बेटा इतना बड़ा जो है इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, बहुत अच्छी बात माशाल्लाह, लेकिन अगर उससे आपने इल्म दीन नहीं सिखाया, इल्म की बातें नहीं सिखाई और आपके इल्म दीन की तरफ रगबत नहीं दिलाने की वजह से कल बरोज़ क़यामत अगर वो जहन्नम में जाने वाला होगा तो अल्लाह से इल्तिजा करेगा कि अल्लाह मेरे वालिदैन कहाँ है, उन्हें सामने ला, और उसके नाखून जो होंगे हाथ के वो लंबे लंबे हो जाएंगे और वो अपने दोनों हाथों को अपने वालिदैन के सीने पे मारेगा और कहेगा तुम्हारी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, मैं तुम्हें भी जहन्नम में ले जाऊँगा। हम क्या समझे डॉक्टर इंजीनियर बना के हमारी जिम्मेदारी खत्म, निकाह करके हमारी जिम्मेदारी खत्म, नहीं, इल्म दीन सिखाना एक जिम्मेदारी, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं माफी चाहूंगा अगर कुछ वक्त ज्यादा हो गया, मैं रोज रोज पहले आता नहीं हूँ, मैं आया हुआ था, मैंने सोचा आपसे मुलाकात हो जाए और हमारे जो साथी मुबल्लिगीन हैं काफी मेहनत कर रहे हैं, ये मस्जिद जो है नई तामीर हुई, बहुत खुशी हुई ये मस्जिद तामीर हुई, इन तीन लोगों की मेहनत है और भी साथी है जो यहाँ मौजूद नहीं है, मैं उनके नाम नहीं जानता, जो दो यहाँ बैठे हैं ये दो काफी मुजाहिद लोग हैं, आप दुआ करें कि अल्लाह की मस्जिद जो है दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग सुन रहे हैं और आपके जरिए ये बातें जब पहुंचेगी बाहर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है मिलकर सुन्नी और इस्लामी का इलाज सपोर्ट करें, दीन के काम को आम करें और इमाम साहब जो खिदमत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अभी गर्मी जैसे इन्होंने बताया जनाब हमारे साथी ने कि गर्मी छुट्टी हो गई, तो आप इस गर्मी छुट्टी का फायदा उठाएं, क्योंकि बच्चे पूरे दिन तो हॉलीडे का पढ़ाई करेंगे, वो ज्यादा वक्त तो खेलने में गुजार देंगे, उसमें से ही एक घंटा वक्त जो है इमाम साहब के पास आप दे दें बच्चों को, कुछ तो दीन की बातें सीख लेंगे, तो इसमें आपका भी बड़ा हो जाएगा और दीन का भी गुजरा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इल्म दीन सीखने उसे आप करें और दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस वीडियो को गलती हो जाता आप फरमाए अस्तगफिरुल्लाह व रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व तुबु इलैह व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।